छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। सोमवार देर रात थाना कुंडीपुरा पुलिस की टीम ने घाट परासियों के पास बालाघाट के 3 शिकारियों को बाघ की खाल और 2 दांतों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना मिलने के बाद घेराबंदी कर घाट परासियों से लगे ढाबे के पास बाइक में सवार शिकारियों को दबोचा। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास बाघ की खाल और 2 दांत जब्त किए गए। पुलिस द्वारा 3 आरोपियों को पकड़कर थाने में लाया गया, जहां शिकार बाघ की खाल और दांतों के संबंध में आरोपियों से पूछताछ की गई। 3 आरोपी बालाघाट के किरनापुर के बताए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा देर रात तक आरोपियों से सघन पूछताछ की गई। प्रेस वार्ता के दौरान छिंदवाड़ा एसपी विवेक अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बाघ की खाल और दांतों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 50 लाख रुपए अंकित की जाती है। स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता के दौरान छिंदवाड़ा एसपी विवेक अग्रवाल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत है। एक अत्यंत संवेदनशील प्रकरण के संबंध में आप लोगों को आज यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। कल पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग बाघ की त्वचा टाइगर स्किन के साथ और उसके कुछ अन्य अवशेषों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और उस पूरी सामग्री को विक्रय करने का प्रयास कर रहे हैं। इस मुखबिर सूचना पर पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस ने 2-3 पार्टियां बनाई और उनकी घेराबंदी करने का और उनसे संवाद स्थापित करके उनको अपने गिरफ्त में लेने का प्रयास शुरू किया। और इस पूरे प्रयास के क्रम में कल शाम को पुलिस को उस वक्त सफलता प्राप्त हुई जब 3 आरोपियों के साथ पुलिस को ये टाइगर स्किन, उसके कुछ नाखून, दांत और कुछ हड्डियां इत्यादि जब्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। आरोपियों द्वारा इस पूरी सामग्री को लगभग 10 लाख रुपए में विक्रय करने का प्रयास किया जा रहा था और इसके लिए उन्हें बेसिकली पुलिस की ही हमारे अधिकारियों ने ट्रैप करने का एक पूरा जाल बुना था और उसमें सफलता प्राप्त की थी। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस पूरे बाघ स्किन और इस तमाम सामग्री की कुल कीमत लगभग 50 लाख रुपए आकी जा सकती है। तो इस प्रकार से वन्य जीवन सुरक्षा और वन्य पर्यावरण की जो महत्वपूर्ण गतिविधियाँ होती हैं उसको लेकर कल छिंदवाड़ा पुलिस को एक विशेष सफलता प्राप्त हुई है और इस संबंध में पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम धनेंद्र तेगाम, परदेशी उइके और अरविंद मड़ावी, ऐसे 3 लोग पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। इनके साथ एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त की है। 2 अन्य लोगों के नाम पूछताछ में भी सामने आए हैं जिनकी भी पहचान हो गई है और जल्द ही हम उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। इस प्रकार से इस पूरे गिरोह में जो लोग शामिल थे उनकी पहचान हो गई है, 3 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और ये टाइगर स्किन भी पुलिस ने जब्त कर ली। आगे इसकी कार्रवाई अपराध दंडबद्ध करके की जा रही है और जो भी और तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कल पुलिस को एक मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी जिसके माध्यम से कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा टाइगर स्किन, बाघ की त्वचा और उसके कुछ अन्य शरीर के अवशेष अंगों के साथ उसकी तस्करी करने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना को पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया और इस पूरी सूचना को जब डेवलप किया गया तो पुलिस ने इसमें 3 आरोपियों को घेराबंदी करके बाघ की त्वचा, उसके कुछ नाखून, दांत और अन्य हड्डियों के साथ उनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली है। और इसमें पुलिस को एक बाघ की त्वचा और इसकी तस्करी करने वाले आरोपियों से 2 अन्य आरोपियों की भी जानकारी प्राप्त हुई है जिन्होंने प्रथम प्राथमिक पूछताछ में बालाघाट के जंगलों से ये बाघ का शिकार करके और इस तरह से इसको
कई कई लाख रुपए में बेचने का प्रयास कर रहे थे, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 50 लाख रुपए आकी जा रही है। इस प्रकार से पुलिस को वन्य जीव संरक्षण और वन्य पर्यावरण की सुरक्षा के संबंध में एक बहुत ही संवेदनशील मामले में कार्रवाई करके आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। मामले की विवेचना अभी चल रही है और आगे जो भी नए तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।